भैया हाथ जोड़ के विनती करें भैया, मुश्किल मत बढ़ाइए भैया, मुश्किल मत बढ़ाइए, परिवार की बात। जी मैं आपको सुन रहा हूँ, जिस वक्त हम छोटी निगरानी करने जाते हैं, इस कब्रिस्तान को राहत इंदौरी जी के पार्थिव शरीर को ले आया गया है, यहाँ पे उनकी नमाज की तैयारी हो रही है, जो जानाजे की नमाज होती है उसकी तैयारी हो रही है, और उसकी तैयारी हो रही है। उस तैयारी के साथ में आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका शरीर यहीं पर है, और उन्हें यहाँ पर कुछ मिनटों के बाद में इस कब्रिस्तान में उन्हें यहाँ दफन किया जाएगा, सुप्रीम खार किया जाएगा। ये वो सारे लोग हैं जो उनको आखिरी विदाई देने के लिए आए हैं, यहाँ पे उनके लिए आखिरी जनाने की नमाज पढ़ी जाएगी। ये आप देख सकते हैं, आप सुनिए, ये नमाज हो रही है, आप इसको हम सीधे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये वो जनाजे की नमाज थी, ये जो आज थी ये प्रार्थना थी जो राहत इंदौर जी के आने वालों ने यहाँ पे देखी, यहाँ पे नमाज अदा करके अभी नमाज अदा करके लोग यहाँ से लौट रहे हैं, और परिजन उनके पार्थिव शरीर को लेकर कब्रिस्तान से मिल जा रहे हैं। बहुत ही सही संख्या में लोग अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, देखिए जरा सा बारीक शेर है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं,
लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। वाह वाह वाह। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए, ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं, और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने मैं ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हां, यह तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमरीका की सरकार चोर है, या बर्तानिया की सरकार चोर है। तो वह अफसर ने मुझे देख के, अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? उसने जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। टिकटॉक पर एक मेरा शेर बहुत ही वायरल हुआ है जी, जी। और क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हजारों की तादाद में उन्होंने शेर को कोट किया है लोगों ने, और ना जाने कहां कहां लिख दिया था। मुझे अफसोस तो यह है कि ऐसी जगह पर भी लिख दिया जहां पर देखकर मुझे शर्म आई कि यार ये मेरी लाइन को यहाँ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था जी। अब लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ की तो बात बस की बात नहीं है। एक साहब ने पैंट के पैची पीछियाँ हिप पर लिख रखा था। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, आपकी मोहब्बत है तो मैं वो गजल भी सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत दादा, स्वागत। बुलाती है गजल तो सुनो यार। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। यार शहर जाने करने सड़क पर, या इस शेर की तारीफ चाहूंगा मैं आपसे। चले हो तो ठहर जाने का नहीं, सड़क पर, सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं। सड़क पर प्रशांत अगर शायरी की मजा लेना चाहे तो जी, जी। चले हो तो ठहर जाने का नहीं, सड़क पर अर्थियां ही, ये दूसरे लफ्जों में कह दूं कि जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर, जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर, अभी माहौल मर जाने का नहीं। आहा, आहा, क्या बड़ा शेर है। सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं, सड़क पर अर्थियां ही अर्थियां हैं, अभी माहौल मर जाने का नहीं। दुनिया छोड़ना, ये राहत इंदौरी का शेर सुने,
अगर यहाँ प्रेस मौजूद हो तो गौर से एक एक शब्द को याद करके कल के अखबार में राहत इंदौरी के नाम से जरूर छापा जाए। कह रहा हूँ कि अभी माहौल मर जाने का नहीं, अभी माहौल मर, आपकी ताईद चाहूंगा मैं अपने शेर पर जी, आपकी ताईद चाहूंगा मेरे अपने शेर पर, अभी माहौल मर जाने का नहीं है। दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन है, दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन, जिंदाबाद, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का मेरे बेटे। ये जिसने सबसे पहले इस गजल की फरमाइश की थी उसके लिए है। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे, मेरे सभी मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का ना। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का, वो देखिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो गर्दन नापता है वो। नमस्कार, ग्रीटिंग फ्रॉम हाटकिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, फेमस पोएट, उर्दू पोएट राहत इंदौरी कोविड 19 से चले गए। 60% निमोनिया था, यानी कि डे 3 डे 4 रहा होगा उनको, कोविड पॉजिटिव था। और डे 3 डे 4 के अंदर में अगर क्लॉट बन जाए तो मैसिव हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है उसके लिए। तो याद रखिए, जो लोग जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, हाई रिस्क हैं, सबसे पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करो, एम आई एट रिस्क, और उसके बाद में मेक श्योर डे 1 के अंदर में आपको ब्लड थिनर मिल जाए। ऐसे लोग अपने को इग्नोर ना करें, अगर वो लेट अस्पताल में पहुंचते हैं तो फिर उनको क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। 9 दिन के अंदर में ये कोविड डेथ कहलाएगी, अगर 9 दिन के बाद होता हार्ट अटैक तो हम पोस्ट कोविड डेथ बोलते हैं। जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर हाई रिस्क हैं, अपने डॉक्टर से कैलकुलेट करो कि अगर मेरे को कोविड हो गया तो कहीं मेरे को हार्ट अटैक या पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।